ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ब्लाउज़ का बहुत ही अच्छा बोट नेक, इस टाइम बहुत ही चल रहा है, बहुत ही ट्रेंड में है ब्लाउज़ का बोट नेक बैक बता रही हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह बनाया है, क्योंकि सभी लोग उस तरह का बहुत ही चल रहा है, तो चलिए आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से मैंने बनाया है। फ्रेंड तो ये देखिए, ये ब्लाउज़ मैंने कट कर लिया है और इसका बैक नेक बनाना है बोट वाला। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया है, और इसका देखिए ये चेस्ट नेक 11 है, इसका रियल उतना 38 है, और मैंने 4 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और ये देखिए ब्लाउज की लंबाई है, इसका 13 इंच रखना है, तो 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख लेंगे। और उसके बाद देखिए इसका शोल्डर आधा रखना है, तो मैंने इस तरह से, वैसे तो जितना शोल्डर रहता है उसका आधा रख लेते हैं, लेकिन इसमें इसको फ्रंट में खोलना है, तो इसलिए मैंने 6.5 इंच रखा है। और देखिए इसका नीचे आर्मोल भी 6.5 इंच रखा जाता है। और इसका देखिए मैंने बोट नेक नीचे बनाना है, तो ये देखिए 3.5 इंच पर रखा है। ये देखिए मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है, और 3.5 इंच ही इधर लगना है। देखिए 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और इसमें कोई भी शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने इसे डिजाइन बनाया है इस तरह का, इसकी लंबाई भी मैंने देखिए पूरा है इसमें 10.5 इंच। तो जितना आपको खोलना हो उतना ही, देखिए मैंने 11 इंच का बनाएंगे इसको, देखिए 11 इंच पर इधर। उसके बाद इसमें शेप दे देंगे, तो देखिए मैंने इसमें बना लिया है। और ये देखिए मैंने पेपर वक्रम ली है, तो इसका साइज भी वही रहेगा 3.5 इंच, जितना मैंने यहाँ अस्तर में कट किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से कट करना है। और नेक का आपको जितना खुला रखना हो उतना साइज आप ले सकते हैं, लेकिन 11 से ज़्यादा मत लीजिएगा, लेकिन फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए मैंने जिस तरह से उसमें अस्तर में बनाया था सेम वैसे ही डिजाइन इसमें बना लेंगे। और पेपर वक्रम में, पेपर वक्रम में बनाने से क्या होता है कि एकदम इतना सफाई आती है नेक की कि आप बनाने, और वैसे भी बना सकते हैं बिना वक्रम के, लेकिन उतना अच्छी सफाई नहीं आती है। अगर वैसे ही बनाओ तो ज़्यादा, इस तरह वक्रम में बनाते हैं तो ज़्यादा सफाई आती है और देखने में से भी अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने बना दिया है, उसके बाद इसको अच्छे से कट कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, मतलब इधर का उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गला बिल्कुल सेम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे आपने वक्रम काट ली है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखिए मैंने इस तरह से, और देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो वो भी कट कर देंगे इस तरह किनारे से, 1-1 इंच का आप गैप छोड़ करके, बिल्कुल ज़्यादा नहीं छोड़ना है, बस 1 इंच का। तो देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और कपड़े में भी प्रेस लगा करके चिपका लिया है। और अब उसके बाद ये देखिए मैंने जो पीछे का पल्लू है, तो सबसे पहले नीचे से सिलाई डालते हैं कमर से, इसको पहले पूरा बंद करेंगे, उसके बाद फिर नेक को इसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले नीचे मैंने देखिए 1 इंच के करीब सिलाई डाल ली है इस तरह से, और देखिए पूरे ब्लाउज़ को ही मैंने इस तरह पूरे पल्लू को बंद कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो उसको कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से पहले सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद ही कट करना है। तो देखिए क्योंकि थोड़ा बहुत निकलता रहता है, और इसको बिल्कुल बीच फ्रंट से ही पकड़ना है। और ये देखिए मैंने जो इसको नेक को चिपकाया था उसको भी बंद करेंगे, कपड़े में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं, तो इस तरह से देखिए कट कट लगा करके इसको पूरा इस तरह से बंद कर देंगे, फिर उसके बाद फिर ब्लाउज़ में चढ़ाएंगे। और जो एक्स्ट्रा देखिए इस तरह से, और बिल्कुल इसका बीच फ्रंट में एक कट लगा लेंगे, और ब्लाउज़ के पल्लू में भी फ्रंट में लगा लेंगे। और देखिए इसको इस तरह से बिल्कुल फ्रंट जो कट किया है बिल्कुल सेम उसी में मिलाना है। उसके बाद ये देखिए मेरे पास एक पिन है, तो इसको पिन से सेट कर देते हैं, तो ताकि ये बिल्कुल इधर के उधर ना खिसके, क्योंकि
टेढ़ा भी हो सकता है सिलाई करने में। तो देखिए मेरे पास ये पिन है, मिलते हैं बाज़ार में, ले सकते हैं और इस तरह से देखिए सेट कर देंगे चारों तरफ से इसको लगा करके, और उसके बाद ही सिलाई करेंगे तो नेक की शेप एकदम परफेक्ट आएगी और इधर का उधर भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने सारे जगह में ये पिन लगा लिए हैं, उसके बाद फिर इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बीच फ्रंट से ही सिलाई करना है, देखिए इस तरह से, और बहुत ही आसानी से नेक, कोई भी नया भी होगा अगर सिलाई करने वाला तो वो भी बिल्कुल आसानी तरीके से बकरम को किस तरह से फिट किया जाता है, क्योंकि ये नेक बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ यही होती है कि इसको किस तरह से सेट किया जाए। सबसे इजी तरीका है इस तरह से सेट करने के लिए, आप बहुत ही आसानी से इसको चढ़ा सकते हैं, बकरम को सेट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो इस तो देखिए मैंने इस तरह लगा दी है और चारों तरफ सिलाई लगा करके ये पिन अब निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल सेफ्टी रख दें क्योंकि बच्चे रहते हैं। और ये देखिए कट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है ताकि अभी ये कट लगाएंगे बीच में तो सिलाई कटे ना, तो इसलिए देखिए मैंने आधा आधा इंच से भी कम कपड़ा छोड़ा है। देखिए इस तरह से इसको कट करके और उसके बाद फिर इसका नेक सेट हो जाएगा। फिर इसमें देखिए लेस वगैरह मोती वगैरह भी लगाए हैं और इस तरह का नेक अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, बोट नेक ज़्यादातर इसी तरह से बनाया जा रहा है, वो बहुत सुंदर भी लगता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। उस तरह से देखिए इसको मैंने पलट लिया है और इसको एक बार प्रेस कर देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से बैठ जाए, प्रेस करने से अच्छे से बैठ जाता है। उसके बाद ये देखिए मैंने डेढ़ डेढ़ इंच की दो पट्टी काट ली है इधर लगाने के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से ये बना लिया है और इधर मोती लगाएंगे तो इधर देखिए मैंने एक इंच या डेढ़ इंच के करीब, देखिए एक एक इंच का ही मैंने इधर लिया है, तो इसमें मोती डालेंगे तो उस तरह से इसी के हिसाब से सारी पट्टी कट कर लेंगे। देखिए इतना काफ़ी है, एक बार आप नाप करके देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ निशान लगा दी है, आधा आधा इंच पर लगाना है और इसी हिसाब से सारी पट्टी वो कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो डोरी, आप जितना पतली डोरी लगाना चाहें उतना पतली लगा सकते हैं। और देखिए मैंने मोती भी मंगाए हैं तो इसी में ये मोती प्रो कर बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई करते जाएंगे इस, तो ये ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और आप लेस भी लगा सकते हैं, अगर जिसको मोती नहीं लगवाना है तो ऐसे लेस भी लगा करके बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए मैंने सारे में इसी तरह लगा दिया है और फिर उसके बाद इसमें लेस लगाएंगे, गोल्डन कलर की लेस लगाई है मैंने और एक ग्रीन कलर की भी लेस लगाई है। तो देखिए पूरे में मैंने लेस अटैच कर दी है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की लेस लगाएंगे तो डबल कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। देखिए इस तरह से उसके बाद फिर मोती लगाएंगे इसमें। और तो देखिए मैंने मोती वगैरह सब लगा लिए हैं और वीडियो इसका नहीं बना पाया क्योंकि विराट बहुत परेशान कर रहा था। तो देखिए इसमें मोती वोती लगा के मैंने, और उसके बाद ये पीछे जो प्लेट डाली जाती है तो ये भी देखिए एक एक आधा आधा इंच पर मैंने एक प्लेट, दोनों प्लेट डालेंगे। उसके बाद अभी एक जो फूल नीचे फूल बनाया है तो वो भी आप लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे परेशान करने लगते हैं तो फिर वो लगाने ही नहीं दे रहा था मोबाइल उसमें। उसके बाद देखिए फूल बनाना है तो मैंने एक चौकोर कपड़ा, जितना बड़ा साइज का आपको फूल बनाना है, और देखिए इसी मैंने क्यूब जैसा काट लिया था और तिरछा करके पाँच छः देखिए इस तरह से बना लिए हैं और एक सुई धागा में लेकर के इस तरह देखिए इस तरह पूछना है इसको। तो ये देखिए मेरा पूरा तैयार हो गया है और देखिए मैंने एक फूल बना लिया है और इसमें एक नंग टच कर दिया है। उसके बाद इसको इधर बिल्कुल 20 सेंटीमीटर इसमें इस तरह टच कर देंगे ऐसे, ये बहुत सुंदर लगता है। और देखिए मैंने बैक नेक बना के तैयार कर लिया है और देखिए कितना सुंदर, बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी पूरा कंप्लीट मैंने ब्लाउज सिल करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से पूरा बन के तैयार हो गया है और बहुत सुंदर भी लग रहा है, कितना अच्छा मोती डालने पर उसका और ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। देखिए और ऊपर मैंने लटकन भी लगा दिए हैं और नीचे फूल लगा दिया है इस तरह से बना के, और जो बटन आते हैं वो भी अटैच कर दिया है, बटन से और ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि ब्लाउज से जितना ज़्यादा आप सजाएंगे उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है।
तो ये देखिए मेरा पूरा फुल ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। मैंने पूरा स्टिच कर दिया है, देखिए अब फुल आस्तीन भी बनाई है। और इस बार मैंने आस्तीन में कोई डिजाइन नहीं निकाली है, क्योंकि हर बार मैं डिजाइन निकाल कर ही बनाती, लेकिन मैंने इस बार प्लेन बनाया है। तो देखिए आगे का मैंने नेक थोड़ा बड़ा किया है और पीछे का बोट नेक बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर और बहुत अच्छा ब्लाउज मेरा बन के तैयार हो गया है। और अभी वीडियो को आप स्किप मत करना, आगे मैंने बाटी चोखा का वीडियो भी शेयर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। काले चने से बना लेंगे सत्तू, क्योंकि इससे अच्छा घर का बना हो जाता है, बाहर का बाजार का इतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये देखिए मैंने वाले जो मुझे चने आते हैं उसी से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सत्तू इसके छिलके निकाल करके। तो ये देखिए मैंने चोखा बनाने के लिए क्या क्या लिया है, 5-6 टमाटर ले लिए हैं, और देखिए मेरा सत्तू भी बन के तैयार हो गया है। और बैगन भी मैंने भूंज कर रख लिए हैं, और हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, और देखिए बैगन, 2 बैगन भूंज के रखे हैं, हरी धनिया, और यहाँ आलू भी उबालने के लिए चढ़े हुए हैं। और देखिए सत्तू भी मेरा बन के तैयार हो गया है। और एक घर से बनाया हुआ सत्तू ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना बाजार का नहीं अच्छा लगता है। इसे भुंजे चने से बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही इजीली बहुत जल्दी से ही बन गया था। तो देखिए मैंने बिहारी स्टाइल में ही बनाया था, लेकिन वीडियो पूरा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो देखिए मेरी लिट्टी बन के उबल के तैयार हो गई, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि मैंने फ्राई वाली ही बनाई थी। तो देखिए तेल गर्म हो गया है, और इसको उबाल करके बनाते हैं तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। और देखिए मेरा इधर चोखा भी बनके रेडी हो गया है, तो इसका भी मैंने फुल वीडियो अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। इसका पूरा वीडियो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही दिखा पाया है। देखिए मेरी बाटी, तो देखिए मेरी पूरी लिट्टी बन के तैयार। देखिए मैंने फ्राई वाली बाटी बनाई है, और देखिए चोखा बन गया है, चटनी भी बना ली है, हरी चटनी। तो देखिए मैंने पूरा वीडियो तो नहीं शेयर कर पाया इसमें, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरे से अच्छे से बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रिपॉड हमारा ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से मोबाइल नहीं लगा पा रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरी रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।